आजकल प्लेन्स की सवारी लेना उतना ही सेफ है जितना कि एक बस में होता है। गूगल की माने तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मानी जाती है, पर तब भी अनगिनत लोग प्लेन्स में ट्रैवल करने से डरते हैं, क्योंकि हर साल कभी ना कभी प्लेन क्रैश की न्यूज आज तक या फिर जी न्यूज जैसे चैनल्स पर आ ही जाती है। और सबसे ज्यादा डर तो बरमूडा ट्रायंगल ने पैदा किया। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में ये जो ट्रायंगल एरिया है, यहाँ पर मिस्टीरियसली काफी सारे प्लेन्स और शिप्स भी गायब हुए हैं। अब भला कोई भी रीजन से ये प्लेन्स गायब हुए हैं, पर डर तो बैठ गया ना मन में। और फिर आता है SCP-787 जो लोगों के डर की सीमाएं पार कर देता है। दरअसल SCP-787 एक बहुत ही सेफ और कमर्शियल प्लेन माना जाता था। इस प्लेन का नाम था बोइंग 747-200। बोइंग 747 में करीब 800 पैसेंजर्स सवार करते थे। यात्री कृपया ध्यान दें, अपने सीट की बेल्ट बांध लें और अपने अगल बगल के लाशों को पहचान लें। क्या पता इनमें से कोई आप तो नहीं। द स्टोरी। एक दिन एक फार्मर अपना यूजुअल काम सब करके अपने फील्ड पर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि फील्ड के बीचों बीच एक प्लेन है। फार्मर अपना सर खुजला के सोचने लगा कि कहां से आया ये प्लेन, आफ्टर ऑल कल तो नहीं था और आज सुबह भी नहीं था। फार्मर ने सोचा कि चलो देख के आता हूँ कि आखिर क्या है अंदर। प्लेन के एकदम करीब आने के बाद उसने पाया कि प्लेन पर जो पेंट है वो अभी भी गीला है। अंदर पूरा अंधेरा था। वो फार्मर अंदर घुसा और जैसे ही उसने यहाँ वहाँ देखा वो डर से चिल्लाने लगा। अंदर सारे पैसेंजर्स मरे हुए पड़े थे। आई कांट इवन इमेजिन कितना डरावना सीन था ये। अंदर जाके लाश ही लाश देखना, OMG। SCP-787 को ईयर 1987 में एक फील्ड में पाया गया था। किसी को भी नहीं पता वो कहाँ से आया, कब आया। प्लेन को अभी SCP फाउंडेशन के अंदर रख दिया गया है और उसके अंदर हर जगह CCTV कैमरास लगा दिया गया है। SCP-787 के अंदर 515 लोगों की डेड बॉडीज हैं और सबके सब डिफरेंट रीजन से मरे हैं। कोई गला घुटने से मरा, किसी में खून की कमी से मौत हो गई, कोई डूबकर मरा तो कोई भूख से मर गया, किसी को गोलियों से भून दिया गया, किसी के पीठ में चाकू है। लेकिन हर बॉडीज में एक चीज कॉमन है कि वो आधा सड़ चुके हैं पर वो और नहीं सड़ रहे, काइंड ऑफ सब फ्रीज हो चुके हैं। 23 डेड बॉडीज के जीभ कटे हुए हैं, मतलब उनके जीभ है ही नहीं। 73 डेड बॉडीज की खोपड़ी निकली हुई है। 230 डेड बॉडीज के हाथ पैर पर कुछ अजीब सा लिखावट है एंड 498 डेड बॉडीज के हाथ कटे हुए हैं। हमेशा इस प्लेन के अंदर अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आती रहती है पर वो कहां से आती है किसी को नहीं मालूम। एक बार एक रिसर्चर अकेले ही अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अनहोनी शक्ति उन्हें उड़ाकर फेंक देती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। बहुत सालों से ये प्लेन फाउंडेशन वालों के पास है और इन सालों में उन्हें प्लेन में काफी अजीबोगरीब हरकतें दिखाई दी है। 1st अगस्त 1988 के दिन प्लेन के लेफ्ट साइड के विंडोज और डोर्स पर जोर जोर की नॉकिंग सुनाई दी, हालांकि CCTV कैमरा में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 22 फरवरी 1997 को मेंस वॉशरूम से एक मेल की आवाज आने लगी। वो बोल रहा था, Philosophers always run from the advanced thickening treatment. 5 बार ये बात रिपीट हुआ, पर किसकी आवाज थी ये? 6th अक्टूबर 2003 के दिन हर सीट पर स्क्रीन्स ऑन हो गए और एक डेड बॉडी की फोटो शो होने लगी इन डिफरेंट एंगल्स। 27th दिसंबर 2009 को प्लेन की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। 30 जुलाई 2011 इस दिन एक शेडो फिगर CCTV कैमरा में दिखाई दिया। उस शेडो ने एक इमरजेंसी ब्रीदिंग मास्क निकाला और उसे पहन लिया। कुछ समय बाद वो मास्क निकाल कर चला गया पर दूसरे किसी कैमरा में वो परछाई नजर नहीं आया। 15 जनवरी 2013 को वो परछाई वापस दिखाई दिया। वो पायलट के चेयर पर बैठकर वॉमिट कर दिया। उस वॉमिट में इंसान के नाखून मिले। 5 मई 2015 को प्लेन के अंदर ये अनाउंसमेंट किया गया,
For your comfort and enjoyment today, pancakes will now be served. Please do not leave your seat. Pancakes will now be served. Please do not leave your seat. Do not leave your seat. Leave your seat. Please, pancakes will now be served. Yay, pancakes! September 8, 2018 को अचानक इमरजेंसी मास्क बाहर आ गए और तो और 10 से 15 जिंदा लोग कैमरा में दिखाई दिए डर से चिल्लाते हुए, लेकिन जब बाद में अंदर जाके चेक किया गया तो ऐसा कुछ नहीं था, सब मरे हुए थे। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कुछ सालों में 47 पैसेंजर्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया, जिनमें सबसे अजीब ये आदमी था। ये एक रिटायर्ड आदमी है जिसके बीवी बच्चे ने बताया कि वो कभी प्लेन पर बैठा ही नहीं, और तो और वो अभी तक जिंदा है। उस आदमी से बाद में पूछताछ भी किया गया और उसने कहा कि उसे ये सब कुछ भी नहीं मालूम। तो आप ही सोचो, कोई आदमी जो वो जिंदा है, अपने घर पे है, उसका डेड बॉडी भी प्लेन के अंदर है। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। ये औरत एक स्कूल की टीचर थी और इसके पेरेंट्स ने बताया कि एक दिन वो अचानक गायब हो गई। प्लेन में कई पैसेंजर्स ऐसे भी पाए गए जो कि दूसरे टाइम फ्रेम के थे। किसी के पास 1949 की घड़ी थी तो एक के पॉकेट में 1924 का न्यूज़पेपर मिला। एक दिन चेकिंग के लिए एजेंट्स गए SCP-787 का वेस्ट स्टोरेज टैंक देखने और वहां पर भी उन्हें मिला एक लाश। ये एक इंडियन आदमी था जो कैसे मरा नहीं पता। SCP-787 यानी ये प्लेन इतना ज्यादा मिस्टीरियस है, इतना ज्यादा मिस्ट्री से ये भरा हुआ है कि इसके बारे में सोच के ही रिसर्चर्स को चक्कर आ जाता है। रिसर्चर्स भी सोचते होंगे कि पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा और SCP फाउंडेशन में। खैर, जितना ही दर्द ये लोग झेलेंगे उतना ही ज्यादा हम मजा पे लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्पेशली आपको कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम एम कर रहे हैं 5000 लाइक्स, तो 5000 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का?